हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भोपाल में सिचुएटेड एक रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो रीनेम कर दिया गया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से तो स्टूडेंट्स आज हम इस इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कौन थी रानी कमलावती जिनके नाम पे जो रेलवे स्टेशन का जो रीनेम किया गया है तो उनके बारे में हम जानेंगे और किस समय रानी कमलावती ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स शो किया उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रानी कमलावती की तो रानी कमलावती गोंड जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है उससे बिलोंग किया करती थी हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि गोंड जो ट्राइबल कम्युनिटी है भारत के अंदर हमारे इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इसकी जो संख्या है इसके जो नंबर्स हैं इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश इवन तेलंगाना के अंदर भी पाए जाते हैं ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी जो संख्या है वो हमको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रानी कमलावती जो मध्य प्रदेश से बिलोंग किया करती थी तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो पाई जाती हैं जिनके अंदर गोंड है वो सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें इनसाइड द मध्य प्रदेश तो वहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है नंबर्स के आधार पे तो वो है भील कम्युनिटी सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है सेकंड नंबर पे आते हैं गोंड और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो ऑल ओवर इंडिया में हमको देखने को मिलता है कि जो गोंड जो ट्राइबल कम्युनिटी है लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है भारत के अंदर तो रानी कमलावती गोंड नाम की जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है इसी से बिलोंग किया करते थे इसी वजह से इनको गोंड क्वीन भी बोला जाता है और ये डॉटर थे राजा कृपाल सिंह जो प्रेजेंट समय में जो सीहोर नाम का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर में वहाँ इनका राज हुआ करता था वहाँ से ये रूल किया करते थे स्टूडेंट्स रानी कमलावती की जो मैरिज है वो निजाम साहब गन्नौरगढ़ के साथ होती है जो सूरज सिंह साह बेटे थे निजाम साहब गन्नौरगढ़ उन्होंने ही रानी कमलावती की याद में जो जो कमलापति है जो कमलापति पैलेस है उसका निर्माण करवाया रानी कमलावती की याद के अंदर में और कमलापति जो पैलेस है इसको अभी नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस दे दिया गया है आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनका एक्ट है एंशंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट उसका सेक्शन थ्री है जिसके थ्रू यहाँ पे नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया जाता है कोई भी ऐसे प्लेसेज हैं लेक हैं कोई ऐसा एरिया है जो हिस्टोरिकल जिसकी इम्पोर्टेंस है तो रानी कमलावती की बात करें हम रानी कमलावती की जो मैरिज है निजाम शाह सा के साथ हुई गन्नौरगढ़ के जो निजाम शाह थे सूरज सिंह शाह के बेटे थे इन इनके जो पति हैं निजाम साह उन्होंने इनकी याद के अंदर में जो कमलापति पैलेस है भोपाल के अंदर वो बनाया रानी कमलावती जो अगर हम बात करें कि जो लड़ाई के अंदर में जो वॉर के अंदर में जो स्किल्स होनी चाहिए उनमें काफ़ी स्किलफुल थी काफ़ी एक्सपर्ट थी जैसे हम बात करें हॉर्स राइडिंग की रेसलिंग की इवन बात करें कि जो उनके द्वारा जो उस समय में जो लड़ाई करने के लिए जो वॉर के लिए जो स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए वो सब स्किल्स रानी कमलावती के पास थे स्किल फॉर वॉरियर्स होने के साथ उन्होंने बैटल्स बैटल के अंदर उन्होंने जब भी कोई लड़ाई हुई है उसके अंदर में अपने पति और अपने जो पिता हैं उनके साथ में बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने गन्नौरगढ़ पे जो गन्नौरगढ़ की जो जगह है वहाँ पे रूल किया टिल हर डेथ इन द सेवनटीन ट्वेंटी सेवन सत्रह सौ तेईस तक जब तक उन्होंने रूल किया उस समय तक वहाँ पे उन्होंने अपना शासन चलाया उन्होंने अपनी जो स्किल्स है वो बैटल के अंदर भी शो की स्टूडेंट्स इनकी डेथ के बाद ही हमको देखने को मिलता है कि जो नवाब हैं भोपाल के ऊपर जो नवाब है उनका जो रूल है वो स्टार्ट होता है रानी कमलावती की डेथ के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि जो नवाब हैं उनकी यहाँ पर जो रूल है भोपाल के अंदर स्टार्ट होएगा वहाँ पे जो नवाब है वो रूल करना स्टार्ट करते हैं भोपाल सिटी के अंदर में भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है स्टूडेंट्स ऐसा भी माना जाता है कि रानी कमलावती ने अंतिम समय में जल समाधि ली थी जल समाधि अगर हम बात करें कि उन्होंने जल के अंदर अपने प्राण हैं वो तो त्याग दिए थे उन्हीं के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने जल समाधि ली थी ऐसा भी कुछ आ, आ, कहीं कहीं जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर में माना जाता है तो ये हमने आज भी इस वीडियो के अंदर देखा कि रानी कमलावती कौन थी गोंड क्वीन हुआ करती थी गोंड ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी तो गोंड सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है और रानी कमलावती की डेथ के बाद ही हमको देखने को मिलता है कि भोपाल नाम के शहर के ऊपर में जो नवाब है उनका रूल वहाँ पे स्टार्ट होता है नवाब का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे रेगुलरली वे में थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच